आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। स्वागत है नाज़रीन आपका मेजबान मैं नासिर हुसैन जदी एसटीवी लद्दाख के लिए। आप देख रहे हैं आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आज खरगिल के श्री सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम में तरह तरह के ट्रिप से पार्टिसिपेट किया है, जहां पे हमारे पुलिस की दो कंटिजेंट है, एक लेडीज एक जेंट्स के, और हमारे अलग अलग स्कूल के तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है। और एक बात ये भी अगर आप जिक्र करें तो पहली बार कम से कम 6 साल और 10 साल की उम्र के बच्चे सर इकबाल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी इस साल इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। पहली बार वो लोग यहाँ पे आए हैं इंडिपेंडेंस डे के मारिश पास के मौके पर, पहली बार इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और
मुश्तमिल सरकबाल पब्लिक स्कूल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन आज के समारोह के मेहमान उपस्थित होंगे। अपने यहाँ कुछ समारोह रखते हैं। आज के समारोह के मेहमान खुसूसी चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब अब परेड का मुआयना लेंगे। 78वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे मुल्क के साथ साथ श्री सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम बेमतन करगिल में أعوذ بالشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزقك وتمتعه فيها طويلا عزيز بھائیو اور بہنوں और मेरे प्यारे हम वतनों अस्सलाम वालेकुम जुले नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज पूरे मुल्क में हम सब नहायत ही जोश व जज्बे और हुब्बुल वतनी के साथ 78वीं यौम आज़ादी की तकरीब मना रहे हैं। दोस्तों मैं आज इस मुबारक मौके पर दिल की अमीक गहराइयों से आप लोगों की खिदमत में यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा मुल्क आज़ाद पसंद लोगों की सरजमीन है जिन्होंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी की अजीम नगमत दिलाने में जिद्दोजहद की। वो अपने कीमती जानों का नजराना पेश किया और हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद कराने में हमारे रहनुमाओं ने कौम की बेहतरीन नुमाइंदगी की, जिनमें महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशफाकुल्ला खान और लालत राजभाई राय के नाम काबिल जिक्र है। इन खूबियों की बिना पर हमारे अजीम रहनुमाओं ने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया और हमें आज़ाद और खुशहाल मुल्क में सांस लेने का मौका फराहम किया। इसलिए ये मुबारक दिन इनके नेक ख्वाबों के सच होने की अलामत है और आज ये इंतहाई खराज अकीदत के मुस्तहक है। लेकिन इन बेमिसाल रहनुमाओं की तय सही मानों में खराज अकीदत तब ही मुमकिन होगा जब हम आवाम दोस्त बाहमी रवादारी और हुब्बुल वतनी के उसूलों पर चलने के लिए आमादा होंगे।
हम सब मुल्क की तरक्की और खुशहाली की खातिर अपने अंदर एहसार और मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। साथ ही हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क और समाज में जमहूरियत और मसावात के उसूलों को आम करें और इन पर अमल पैरा भी हों। दोस्तों, 15 अगस्त की अहमियत रोज रोशन की तरह आया है। ये दिन आज़ादी, यकजहती और सलामती में हमारे इत्तेहाद की अलामत है और हमें अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नई बुलंदियों पर ले जाने का भरपूर हौसला देता है। ये दिन हमें मसावात, हुकूक इंसानी, जमहूरियत और यकसान मौके की अहमियत पर ज्यादा एतिकाद बढ़ाता है। भाई और बहनों, आज के दिन हम सबको कौमी परचम तले यह अहद करना है कि हम में से हर एक फर्द हुक्म वतनी और इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने मुल्क के तमीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आज के इस मौके पर, मुबारक मौके पर, मैं मुल्क के उन जांबाज सिपाहियों और हिफाजती दस्तों को सलाम पेश करने के साथ उनको पुरजोर अल्फाज में खराज अकीदत पेश करता हूँ, जो अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क की सलामती को मुस्तकम बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे कौंसल पुरअज़्म है कि हम जिले की तमीर और तरक्की के अमल में कोई कोताही न बरते, ताकि हमारा जिला आने वाले वक्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके और जिनके खातिर ख्वाह नतायज भी बरामद हो रहे हैं। हमारे कौंसल ने अवमी अहमियत के कामों और प्रोजेक्टों पर तरजीह बुनियादों पर काम शुरू किए गए हैं, जहां एक तरफ CRPWD सियाहत, खेल कूद, दही तरक्यात के शोबों में तरक्याती अमल जोर शोर से जारी है, वही दूसरी जानिब दीगर शोबजात को मुस्तकम बनाने जाने के सिलसिले में कई अहम नौत के इकदाम उठाए जा रहे हैं। शोबा सेहत, जो कि हमारे तरजीहात में शामिल है, इसके तहत जिले भर में अस्पतालों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को मजीद मुस्तकम और फ़ाल बनाकर आम नाज को बेहतर तबी सहूलियात फराम करने की कोशिश जा रही है। जिले में मेडिकल सब सेंटरों की तामीर और जिले अस्पताल में तीमारदारों के लिए प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का काम तामीरी काम मुकम्मल करके रहायशी सहूलियात फराम करने की कोशिश की जा रही है। तबी मराकज पर बुनियादी ढांचा को मजबूत करने की गरज से हम NTPSC शकर, करशा, पानी कर, GM4 वगैरह में SDP स्कीम के तहत हीटिंग सिस्टम नस्ब की है और इस साल सतारा हेल्थ सेंटर पर तामीरी काम आखिरी मराहल में है और जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है। जिले अस्पताल में MRI नस्ब करने का काम आखिरी मराहल से गुजर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में हमारे मरीज इससे फायदा उठा पाएंगे। हमारे टाउन एरिया के मरीजों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मरीजों की सहूलियात के लिए अर्बन PHC का क्याम अमल में लाया गया है और हाल ही में हमने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करने का सिलसिला शुरू किया है। सियाहत हमारी इक्तसादी शोबे में अहम हैसियत रखती है और हमारी कौंसल ने इसे अपने तरजीहात में शामिल रखा है। सियाहत को फरोग देने के लिए जिले के सियाती मुकामात पर बुनियादी ढांचे को मजबूत, मजीद मुस्तकम और बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम किया है। इसके अलावा हमने टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स को साथ लेकर जिले के सियाती मकामात पर सहयोग को लाने और ले जाने के लिए मुनज्जम मंसूबों पर काम कर रहे हैं और इन मंसूबों के तहत सयाह दुप्रति को बीम पत्थर, चिकतनखर, शुरू में रॉक गार्डन, खाओ, नमिकला, जांसकार, करसेखर, करपोखर, मूलबेग चंबा, सोच चंबा, आयन वैली, दर्शित गरकोन और नुरमान LOC वी पॉइंट के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और कुछ पे काम जारी है। इसके अलावा फौज के तावन से वार मेमोरियल, द्रास, व्यू पॉइंट,
चंगीला, मुश्को वैली, टाइगर हिल और तुलोलिंग जैसे मुकाम को भी सियाहती नक्शे से जोड़ा गया है। इसके अलावा न्यू होम स्टे के पॉलिसी के तहत 565 मुस्तहक अफराद इस स्कीम के जुमरे में शामिल किया गया है। शोबे पशुपालन को फरोग देने की गरज से सब्सिडी कंपोनेंट के तहत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 221 रर्जी यानी शफाट के सहूलियात फराहम किए हैं और मुख्तलिफ चरागाहों पर शल्टर तामीर किए गए और आइंदा मजीद 15 शल्टर तामीर करने का मंसूबा है। जिले में 14,000 कुंभों को पानी के सप्लाई स्कीम के तहत पानी पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा एसडीपी स्कीम के तहत करगिल टाउन, सांपू और शिखर चक्तन में वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाए गए हैं जिससे लोगों को साफ और शफाफ पानी मुयसर होंगे। करगिल कस्बा और पुरबतम प्लाटू पर सीवरेज नेटवर्क और सिस्टम बशमूल एसडीपी पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। हमारे कौंसल जिले के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के मसाइल से आगाह है और महकमाजात में पड़ी खाली असामियों को पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है और सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार के मौके भी फराहम किए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में शामिल होने के लिए हमारे बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर के तवील और मुश्किल सफर तय करके मुल्क के मुख्तलिफ अफसानी मराकज पर जाना पड़ता था। अब कौंसल की मुसलसल कोशिशों के बाद जिले करगिल में इम्तहानी सेंटर खोलने में कामयाब हुए जिससे हमारे बच्चों को तवील और मुश्किल मुसाफत की सफर से नजात मिलने के साथ साथ इक्तसादी लिहाज से भी फायदा पहुंचा है। जिले में बिजली सप्लाई निजाम को बेहतर बनाने के खातिर गरज से करगिल टाउन में 531 किलोमीटर केबल तार बिछाने के अलावा 297 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11 और 33 केवी के 234 सर्किट किलोमीटर तार बिछाया जा रहा है ताकि बिजली की सप्लाई में माकूलियत लाया जा सके। इकबाल माइक्रो प्रोजेक्ट की तामीर नो का काम शुरू किया गया है और इससे दो बार हमने टेंडर किया और टेंडर्स की कमी की वजह से आप तीसरी बार टेंडर कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही वहाँ पे काम शुरू किया जाएगा। हमारे जिले को यूटी का दर्जा मिलने के बाद कुछ मसाइल खासकर मजदूरों के फ्लाई स्कीम में इल्तवा में पड़ा रहा जिन्हें हमने तरजीही बुनियादों वक्तन फोक्तन आला हुकाम के साथ उठाता रहा और 2022 के बाद पहली बार कुछ दिन ही पहले 2,98,00,000 रुपये मजदूरों के बहबूदी स्कीम के बकाया जात वा गुजार करा के मजदूरों को दिए गए हैं। साथ ही ओल्ड एज पेंशन के बकाया जात को भी वा गुजार किए हैं। करगिल टाउन में 24/7 लोग पीने का पानी बिलाखलल पीने के पानी की फराहमी को यकीन बनाने के गरज से एक अहम प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है जिसके लिए 400 करोड़ रुपया मखसूस किया है। करगिल को एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिससे हम हिंदुस्तान आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे, हम चाहते हैं कि हमारे करगिल को एक दशा मिले। उसके लिए हमने एक सर्कुलर पहले ही इशू किया है ताकि हमारे लोगों के राय जान सके कि हम आगे कुछ सालों में करगिल को तरक्की के राह पर कैसे गामजन कर सकें। जहाँ तक तालीमी निज़ाम का ताल्लुक है, हमारे कौंसल ने सब्सिडी कंपोनेंट के तहत जिले के 7 ब्लाकों में 42 मेरिटोरियस बच्चों को 60,18,000 रुपये की लागत से लैपटॉप फराहम किए हैं। इसके अलावा 10वीं और 12वीं जमात के 2,352 बच्चों को सरमाए छुट्टियों के दौरान 34 हॉस्टल और 25 डे बोर्डिंग मराकज पर मुफ्त कोचिंग फराहम की है जिस पर 4.5 करोड़ रुपये सरफ किया गया है और इस साल भी अगस्त के आखिरी हफ्ते से मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम चलाने का मंसूबा है। इसके अलावा बहुत सारे तालीमी याफ्ता बेरोजगारों को हिंदी, अरबी और भूटी जबान के टीचर तकर्रुर करके रोजगार फराहम किए। महकमे तालीम में बुनियादी ढांचे को CBSE मियार पर लाने के लिए 9 हायर सेकेंडरी स्कूलों, 25 हाई स्कूलों का तामीर काम मुकम्मल किए गए।
इसके अलावा 2 हायर सेकेंडरी स्कूल, 7 हाई स्कूल और 13 मिडिल स्कूल को भी सीबीएसई में बनाने के लिए तामीरी काम जल्द शुरू किया जा रहा है। इस साल जिस्मानी तौर माजूर बच्चों के लिए अपनी नौयत का पहला और मखसूस रहायशी स्कूल व हॉस्टल तामीर करने का काम जिले सदर मुकामबाद पर शुरू करने का मंसूबा है, जिसके लिए हमने अपने कैपेक्स में फंड्स मुख्तस रखे हैं और हमें उम्मीद है जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा। हमने इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय कुंभथम में बच्चों के दाखिले की बलाई हद को बढ़ाकर इससे 40 से 80 कर दी गई है, जिससे हमारे बच्चों को आला तालीम फराहम होने में बहुत मदद मिलेगा। इस साल करगिल में एनसीसी की एक नई और अलग बटालियन पूरे फ़ालियत के साथ कायम किया गया है, जिससे फौज और नीम फौजी दस्तों में भर्ती बशमूल आला फौजी अहदों के ख्वाहिशमंद नौजवानों को नई राह फराहम होगी। आपको बखूबी एलम है कि हमारे कायम आम प्रोजेक्टों पर काम सुरत से जारी है, जिसमें जुजरा टनल, करगिल संस्कार कौमी शाहरा और करगिल बटालियन खालसी रोड काबिल जिक्र है। जुजरा टनल पर दोनों अतराफ से नामसाए मौसमी हालात के बावजूद तामीरी काम सुरत से जारी है और पंगला और करगिल साइड से और बालतर सोनमर्ग साइड से दोनों को मिलाकर अब तक 9 किलोमीटर टनल की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। मैं करगिल वासियों की तरफ से जानिब से टनल के दोनों अतराफ पर काम पर मामूर वर्करों और मरकजी सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का बिला रुकावट काम जारी रखने पर यौम आज़ादी की इस अजीम दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बखूबी एलम है कि हमारे जिले की बेशतर आबादी ज़राअत और इससे मनसला शोबों से वाबस्ता है और ये शोबा आमदनी के आम शोबे की हैसियत रखती है। इस हकीकत को नज़र में रखकर हमारे कौंसल ने इस शोबे में तरजीहात में शामिल रखा है, ताकि किसानों की इक्तिसादी हालात में बेहतरी लाया जा सके। शोबे ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को फ़रोग देने के लिए अवामी अहमियत के दीगर स्कीमों के लिए किसानों को सब्सिडी कंपोनेंट के तहत पोल्ट्री यूनिट्स, अफजाइज नस्ल के रेप और गोड यूनिटों के अलावा ज़िले में खासकर मौसम सरमा के दौरान ताज़ा सब्जी की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस तामीर करने के लिए ज़रूरी साजो सामान फराहम किए गए हैं। मैं हिल कौंसल करगिल की जानब से यूटी इंतजामिया खासकर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब डॉक्टर बी डी मिश्रा का जिले करगिल के मजमू तरक्की के लिए मदद और ताउन फराहम करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीकांत बाला साहब सोसे, एसएसपी करगिल श्रीराम जी और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा न करूं तो नाइंसाफी होगी, जिनकी अंथक मेहनत और ताउन से तरक्याती सरगर्मियों के जल्द तकमील मुमकिन हो रही है। साथ ही मैं अपने एग्जीक्यूटिव कौंसलर और कौंसलर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त अपने नेक मशवरों से नवाजते रहते हैं। इसके अलावा मैं करगिल में मुकीम डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर और दीगर एचओडी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनके मुसलसल मौजूदगी से अवामी मसाइल का बरसर मौका अहसन तरीके से अजला करने में माहौल और मददगार साबित हो रहे हैं। मैं जिले में काम कर रहे मीडिया से जुड़े दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जिले में रोनुमा होने वाले वाकयात और तरक्याती कामों को की तशहीर में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं जिले में सरगर्म मीडिया अफराद से ये भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने फराइज को समझते हुए हसास और मनफी खबरों की तशहीर से गुरेज करें और सही मानों में मीडिया को जमहूरियत के चौथे स्तून की हैसियत बख्शे। आखिर में मैं करगिल के अवाम नाज बिलखसूस मजहबी सियासी और समाजी इदारों से इल्तिमास करता हूँ कि जिले करगिल को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने में हमें अपना ताउन पेश करें, क्योंकि जब तक हिल कौंसिल को आम लोगों का ताउन ना हो तब
तब तक मुश्किल का पर बरवक़्त इजाला मुमकिन ना होगा। मैं दुआ वो हूँ कि खुदा हम सबको कामयाबी वो कामरानी अता करे और हमें अपने कौम और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता करे। आमीन वस्सलाम अलैकुम। जय हिंद। कूद कलम में इस्लामी मंच से गुजरेगा दानिश नंबर वन प्लाटून आगे लूंगा बड़े शौक से इस कुसर पर खिदमत कौम और वतन में जो बलाएं आएगी। इसी जज्बे से यहाँ पर आए हुए सारे स्कूलों के कंटेंजेंट्स इस वक्त तैयार है 78वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर मार्च पास के लिए वचन इस वक्त सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेकंड परेड कमांडर शिवम नुर्बो इंस्पेक्टर इस वक्त सिर्फ ठीक समान सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कदम से कदम और कंधे से गंगा मिलाते हुए हमारे लद्दाख पुलिस के जवान प्लाटून कमांडर फेरोज अहमद की क़यादत में इस वक्त एक सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए लद्दाख पुलिस कंटिंजेंट लद्दाख पुलिस फीमेल कंटिंजेंट के परेड कमांडर कांस्टेबल तंजिम डोलमा की क़यादत में इस वक्त सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुर्दा दिली का झंडा देखो जमीन पे तुम जिंदा दिली का हर तो परचम उड़ाए जाओ खुशी के आज हमेशा गीत गाते जाओ। पहला यहाँ पर एनसीसी के क्रेडिट्स फ्रॉम हाई स्कूल परू के मोहम्मद तकी की क्यादत में इस वक्त ठीक सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सलामी देते हुए अपने कौमी परचम को उनके पीछे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल के कंटिंजेंट कदम से कदम कंधे से कंधे मिलाते हुए सोहेल अब्बास की क़यादत में और परेड कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए बाकर अली बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल जाफरिया एकेडमी और मॉडर्न एजुकेशन के कंटिंजेंट इस वक्त एक सलामी मंच के सामने पहुंच चुके हैं। शमीम अली जो कि परेड कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए और साकिर हुसैन परेड कमांडर की जिम्मेदारी निभाते हुए कदम से कदम कंधे से कंधे मिलाकर अपने देश के प्रति कुर्बानियों की जज्बात लिए हुए तिरंगा को सलामी देते हुए ठीक सलामी मंच के सामने से ठीक उनके पीछे सुरवेली पब्लिक स्कूल करगिल के मुनीर अहमद की क़यादत में सुरवेली पब्लिक स्कूल के कंटिंजेंट परेड कमांडर की जिम्मेदारी की क़यादत में उनके पीछे कारगिल पब्लिक स्कूल एपीएस के नवाज हुसैन की प्यादत में और परेड कमांडर मोहम्मद अली
उसके पीछे ठीक सवा करो सवा करो के कंटेंजेंट के वर्दी कमल घोष सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए फयाज हुसैन की कयादत में और फिर कमांडर मुस्लिम मरी लद्दाख पुलिस पब्लिक स्कूल के कंटेंजेंट जुनेद खान के कयादत में और फिले कमांडर फिरोज हुसैन इस वक्त ठीक सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। भारत के सपूतों हिम्मत दिखाई जाओ दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बिठाए जाओ इसी जज्बे को लेते हुए हमारे नन्हे बच्चे सलामी मंच के सामने से ठीक उनके पीछे हाई स्कूल फ्रंट कंटेंजेंट मुजम्मिल अली की कयादत में और फिलेक कमांडर की जिम्मेदारी ली हुए सुहेल आवाज और फिले कमांडर की जिम्मेदारी ये हुए है फरमान अली तन मन मिटाए जाओ तुम नामे भूमियत पर राहे वतन में अपने जाने लड़ाई जाओ इसी जज्बे के साथ हमारे इस वक्त सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे तिरंगे को सलामी दे रहे हैं विलायत अली की कयादत में ये प्लाटून है सपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कारगिल सेंटर के कंटेंजेंट और खुर्शीद अहमद जो कि फ्लैग कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए थे ठीक उनके पीछे 13 नंबर के प्लाटून जेके नॉर्थन पब्लिक स्कूल के बच्चे ठीक सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए प्लाटून की कयादत कर रहे हैं जिशान हैदरी और जिशान अली जिन्होंने फिले कमांडर की जिम्मेदारी आपने कांधों पर लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कदम और कदम से मिलाकर कांधे से कांधे सलामी मंच के सामने से तिरंगा को दे रहे हैं सलामी कंटेंजेंट नंबर 14 हाई स्कूल गुलाम अब्बास प्लाटून कमांडर गुलाम अब्बास और फिले कमांडर लियाकत अली की कयादत में के पीछे जवाहिर नव विद्याबोधन मोहम्मद अलीमान की रहनुमाई करते हुए सलामी मंच के सामने से और फ्लैग कमांडर बुरहान अली ठीक उनके पीछे एडीएस हर्क बहादुर के स्टूडेंट्स गुलाम हुसैन के कयादत में और इरफान और आखिर में हमारे स्कूलों के आखिर में नन्हे मुन्ने कंटेंजेंट सर इकबाल पब्लिक स्कूल कारगिल रहमतुल्ला जो कि इस प्लाटून की कमांडर का जिम्मेदारी लिए हुए और यावर हुसैन जो कि फिले कमांडर का जिम्मेदारी लिए हुए ठीक वही झंडे के नीचे से सलामी देते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जितनी इनकी तारीफ की जाए उतना ही कम क्योंकि इनके दिली जज्बात जाहिर होती है इनके अंदाज में Thank you.
A moment of our parade commander second and inspector Shri Swang Nurbu, please come on the stage and collect the momentum, please. Moment of our police contingent, platoon commander S.I. Shri Firoz Ahmed. Please come on the dais and collect the memento from the august hands of our dignitaries. Platoon commander S.I. Shri Firoz Ahmed, please come on the dais. Female platoon commander city Mrs. Stenzin Dolma, please come on the dais and collect the momentum. Stenzin Dolma. Momentum for flag hoster ASI Shri Jigmet GD. Please come on the dais. Moment of our NCC contingent, platoon commander Mohammed Taki, Government High School, Baru. Please come on the dais and collect the momentum. Moment of our Marish Pass, Kandin Pass, Goman Boys, Hart Secondary School, Kargil. Please come on the dais and collect your momentum. Moment, Platoon Commander Shami Muhammad, JME. Kargil, Higher Department. Consolation prize to Platoon Commander Munir Ahmed, Suru Valley Public School, Kargil. Please come on the dais. Platoon Commander Asghar Ali Mutahari Public School Kurbathan. Next, Platoon Commander Mohammed Nawaz, Kargil Public School, Kargil. Nawaz, Mohammed Nawaz, please come on the dais.
Next, Platoon Commander Fayaz Hussain Sawab Public School Baru. Please come on the dais. Next, Platoon Commander Junaid Khan, Ladakh Police Public School, Kargil. Please come on the dais and collect the consolation prize. Muzamil Ali Gomen High School of Puyen, Platoon Commander, please come on the dais and collect the consolation prize. सिकित प्रोग्राम में फर्स्ट पोजीशन लिया है जेएमई कारगिल जाफरी आगरे का बोर्ड एजुकेशन कारगिल कॉन्सोलेशन प्राइज टू गवर्नमेंट मेडल स्कूल गोमा बींजी प्लीज कम ऑन द डायस उन्होंने जो स्क्रिप्ट पेश किया उनके लिए कॉन्सोलेशन प्राइज पीएचडी डिपार्टमेंट के स्टाफ से उन्होंने जो स्क्रिप्ट पेश किया And marriage passed. The second position goes to MPS Higher Department Kumbathang Kargil Kumbathang Kargil आज में हमारे 78वीं यौम आजादी के मौके पर हमारे पूरे देश के लोगों को हमारे यूटी लद्दाख के लोगों को और ख़ासकर हमारे करगिल के लोगों को और जितने भी इस मतलब हमारे नौजवान हैं बूढ़े हैं बुज़ुर्ग हैं ख़वातीन हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि आज 78वां साल है जिसमें हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं तो ये हम सब के लिए इस आज़ादी के जो हमें आज़ादी मिला है उसको हमें चाहिए कि हम सब जो भी जिससे भी जितना हो बन पाए हम सबको अपने देश के लिए अपने या करगिल के लिए जितना भी हो सके हमसे हमें अपने लोगों के भलाई के लिए हमारे पब्लिक के भलाई के लिए और
हमारे करगिल के डेवलपमेंट के लिए हम सबको आज लेना पड़ेगा कि हम सबको करगिल के तरक्याती कामों में और करगिल के फलाह बहबूद में हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फिर एक बार हमारे पूरे देशवासियों को मैं बहुत 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 दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पूरे देश के आवाम बिलखसूस हमारे लद्दाख के आवाम को आज के इस दिन की मुनासिबत से आज हम 78वां जो है योम आज़ादी के जश्न हम मना रहे हैं, इस मौके पर सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आज़ादी हम सबको पता है कि एक आसानी से मिलने वाली आज़ादी नहीं है। हमारे पुरजों ने, हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने अपने जानी माली हर तरह के कुर्बानियाँ दे के इस देश को आज़ाद कराया है और इस देश को हमारे हाथों हमारे हवाले किया है। तो मेरी पूरे देश के आवाम से मेरी यही अपील रहेगी कि जिस खूबसूरती, खासकर ये देश दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक लोकतंत्र देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे उन पुरुजों के मेहनत और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ादी के सांस जो है आज ले रहे हैं इस देश को आगे लेने में। और यही है कि हम सब मिलजुल के, खुसूसन जो हमारी यकजहती है, हमारे यूनिटी है, इसको आगे लेके हमारे देश को किस तरह तरक्की की राह पे दुनिया के सबसे तरक्याफ्ता देश और सबसे ताकतवर देश बनाने में सबके कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और खुसूसन में लद्दाख की आवाम से मैं गुजारिश यही करता हूँ, अपील करता हूँ कि जिस तरह से आज तक जो है हमने लद्दाख को एक अमन इलाका और यकजहती एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से आज तक रहा है, एक नए सेटअप में आज हम हैं लद्दाख के आवाम। उस जो यकजहती है, यूनिटी है, जो कम्युनल हारमोनी है, उसको और मजबूती के साथ हमने आगे लेनी है और देश के साथ साथ हमारे लद्दाख को आने वाले सालों में किस तरीके से हम इसको तरक्की की राह पर आगे ले जाए उसमें सब का अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सब मिलजुल के जो एक हमारी परंपरा है उसको भी मजबूती के साथ, जो यकजहती है उसको मजबूती के साथ आगे लेके इस देश के तरक्की में हमें हमारे रोल निभानी है और इसको देश को हम इंशाल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में हम अपना रोल अदा करें। एसटीवी लद्दाख के लिए करगिल लद्दाख से नासिर हुसैन जैदी।